और बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर वन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि उनकी टीम ने दो और भेड़ियों को ट्रेस कर लिया है और उम्मीद यही है कि आज या फिर कल तक इन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। इन भेड़ियों की वजह से आसपास के कई गांव में रहने वाले लोगों में दहशत है और कई टीमें इन्हें पकड़ने के लिए दिन और रात लगातार काम कर रही हैं, जबकि ड्रोन की मदद से भी इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और अब एक अच्छी खबर सामने आई है कि दो और भेड़िये खोज लिए गए हैं, उन्हें ट्रेस कर लिया गया है और इन्हें पकड़ने की कोशिशें भी अब तेज कर दी गई हैं, जल्द ही वो भी पकड़ लिए जाएंगे, ऐसा दावा और ऐसी उम्मीद वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। तस्वीरें जो आई हैं वहां से वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये नई तस्वीरें, जो दो और भेड़िये ट्रेस किए गए हैं उनकी ये तस्वीर, दो और आदमखोर भेड़िये जिनका आतंक आसपास के कई गांव में है, उन्हें ट्रेस करने का दावा वन विभाग की टीम ने किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द ही ये दोनों भेड़िये जो हैं वो भी पकड़ में आ जाएंगे। इन्हें भी ट्रेस कर लिया गया है और आज या फिर कल तक ये भेड़िये भी पकड़ लिए जाएंगे, वन विभाग की टीम ऐसा दावा कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि इन आदमखोर भेड़ियों ने पूरे गांव में ना आतंक मचाया हुआ है, आसपास के गांव में भी इनका खौफ है, जिसकी वजह से लोग दिन रात पहरा दे रहे हैं। और इसके अलावा वन विभाग की टीम जो है वो दिन रात इसे लेकर ट्रेस करने में जुटी हुई है लगातार। आपको बता दें कि इन्हें पकड़ने की कोशिशें जो है वो तेज की गई हैं ड्रोन की मदद से, इसके अलावा थर्मल कैमरों की मदद से इन्हें ट्रेस करने की कोशिशें की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो और आदमखोर भेड़िये रडार पर आ चुके हैं और कल तक इन्हें पकड़े जाने की उम्मीद जताई जा रही है। डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है, वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो क्या सिंगल डिटेक्ट हुआ था या दोनों ट्रेस हुए थे? दोनों ट्रेस हुए थे, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में। हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से, पूरी टीम लगी हुई है, सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं, आज या कल में पकड़ा जाएगा। मैसी विधायक सुरेश्वर सिंह के पुत्र अखर प्रताप सिंह मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। ये भी लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भेड़ियों का आतंक था, इन्हें भी रात में भेड़िया दिखा, इनसे पूछते हैं कि कौन सा इलाके में भेड़िया दिखा आपको? कल रात में हम लोग निकले थे, लगभग 12 बजे सूचना आई कि सिकंदरपुर में भेड़िया देखा गया। हम लोग पहुँचे तो हम लोगों ने अपनी आँख से भी देखा कि वहाँ भेड़िया था, फिर वन विभाग को सूचना दी गई, वन विभाग के लोग आए, लेकिन देखते हुए फिर वो निकल गया। कैसे उसकी तस्वीर वगैरह ली आपने? तस्वीर प्रधान ने ली थी, उन्होंने हमको दी, लेकिन हम जब पहुंचे तब भी वहां भेड़िया मौजूद था। तो ये है अखंड प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि भेड़िया उस इलाके में मौजूद था, हालांकि दो भेड़िये तो दूसरे इलाके में है और ये तीसरा भेड़िया नजर आया है। और इस वक्त इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह जुड़ गए हैं बहराइच उत्तर प्रदेश से, हम सीधे उनका रुख करेंगे। राजीव, इस पूरे मामले को लेकर क्या नई अपडेट सामने आई है? अब देखिए, बहराइच में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों के तलाश में लगातार वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कल भी वन विभाग के ड्रोन कैमरों में इन दोनों भेड़ियों की तस्वीर कैद हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश देर रात ये दोनों भेड़िए वन विभाग के ट्रैप से बाहर निकल गए, घेराबंदी तोड़कर बाहर निकल गए और इन्होंने अचानक आसपास के गाँव में हमला करना शुरू कर दिया। नकाही गाँव में कल करीब 2 बजे इन भेड़ियों ने हमला किया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एक मासूम बच्चा जिसको टारगेट बनाया था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसको इस वक्त महसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर ये इस बच्चे का इलाज चल रहा है, क्योंकि इन भेड़ियों का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो ये बच्चे हैं, जिसके चलते सबसे पहले कल रात जैसे ही वन विभाग के घेराबंदी से बाहर निकले ये भेड़िए, इन्होंने पास के ही नकाही गांव में पहुंचकर इस बच्चे पर हमला किया। इसकी मां हमारे साथ मौजूद है, जिससे हम बात करेंगे। कब यह हमला हुआ है, कितने बजे की बात? 1:30 बजे रात में। कैसे क्या हुआ था, आप लोग कहाँ थे जब भेड़िया आए? घर के बाहर निकलते थे, तनी कस बहुत 3 दिनों पकड़ लिए थे। तो क्या ये घर के बाहर सो रहे थे, आप लोग कहाँ थे जब आए? अंदर थे और जैसे गेट खोला तैसे घुस गए घर में पकड़ लिए। तो रात में गेट क्यों खोला 2 बजे? कहूँ जाना जैसे खोलो, जैसे कहूँ खड़ा रहा था ऐसे पिल गला पर देसे तो कौन उपाय। क्या नाम है बेटा आपका? पारस। कितने बजे हमला हुआ, कैसे आपको पता चला, क्या था?
हम रात का सोच रहा है बाहर जब गोल पकड़ के घर में नट्टी काट ली बदल उससे घिस रहा है। फिर कैसे भागा हो? तो जैसा कि आपने सुना कि ये एक बच्चा है जिस पर भेड़िया ने हमला किया और दूसरा एक शख्स और है जो 2 बजे के बाद जब ये भेड़िया बाहर निकला तो पड़ोस के दूसरे गांव में भी इस भेड़िये ने अटैक किया, वहां पर भी एक शख्स को गंभीर रूप से घायल किया है जिसका भी इलाज जो है इस वक्त मैसी अस्पताल में चल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वो शख्स है जिस पर हमला किया गया है। कितने बजे यह हमला हुआ है, कैसे हुआ, पूरी बात बताइए। 4 बजे भोर में हम बाथरूम करने गए और उधर से जब हम वापस आए तो दरवाजा खुला था। ये 4 बजे सब लोग जाग जाते हैं और हम चारपाई पर ऐसे बैठे रहे हैं और जैसे हम बैठे हैं तैसे वहाँ से झपटा है और हमारे बिस्तर पर आ गया और ऐसे पकड़ा है ऐसे, और जब पकड़ा तो हमको मालूम हो गया कि जानवर पकड़ ले। ठीक तो है राजीव, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वन विभाग ने इन बाकी 2 आदमखोर भेड़ियों को भी ट्रेस किया है और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ भी लिया जाएगा। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर इस वक्त लगाया जा रहा है और अब तक 4 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 आदमखोर भेड़िये ऐसे हैं जो लगातार वन विभाग की 18 टीमों को चकमा दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आदमखोर भेड़ियों का लीडर बेहद चालाक है। हैरानी की बात तो यह है कि भेड़ियों के इस लीडर के 3 पैर हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो ड्रोन इसे देख पा रहे हैं और ना ही वन विभाग और ग्रामीणों की टोलियां ही इसका पता लगा पा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि इसी 3 पैरों वाले आदमखोर भेड़िये ने बाकी भेड़ियों को इंसानों का शिकार करना सिखाया है। साइलेंट किलर बने आदमखोर भेड़िये। पैतीस गांव में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखिए ये गोले की आवाज भी आई है और ये लोग भागने की आवाज लगा रहे हैं। यहाँ पर आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया। यूपी में आदमखोर भेड़ियों की दहशत ने कम से कम 3 जिलों को दहला रखा है। भेड़िया आया, ये शोर बहराइच से लेकर सीतापुर तक सुना जा सकता है। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहर में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। कोई यकीन से नहीं कह सकता है कि आदमखोर भेड़िये का लीडर कौन सा भेड़िया है और आखिरकार क्यों इन भेड़ियों ने इतने ज्यादा इंसानों पर हमले किए और फिर उन्हें मार दिए। ये जरूर है कि वन विभाग के अधिकारियों ने ये कहा है कि 2 भेड़िये जो हैं वो बेहद आदमखोर हैं और उन्हें जल्द ही अपने जाल में वो फंसा लेंगे, लेकिन इस इलाके में कुल कितने भेड़िये घूम रहे हैं इस बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। 3 पैर वाला लीडर, 4 पैर वाले किलर। ड्रोन के इस फुटेज में भागते हुए भेड़ियों को साफ देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 6 आदमखोर भेड़ियों में से 4 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन मिलने का दावा भी किया जा रहा है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि 3 पैर वाला लंगड़ा भेड़िया ही आदमखोर भेड़ियों का लीडर है जो अब तक पकड़ से बाहर है। 4 वुल्फ्स को पकड़ चुके हैं और आज हम लोगों ने सुबह वुल्फ्स को, 2 वुल्फ्स जो बाकी रह गए उनको घेरा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप होकर निकल गए। लेकिन हम लोगों के ड्रोन्स हैं, थर्मल ड्रोन्स, 3 थर्मल ड्रोन्स उड़ रहे हैं, उससे हम उनका लोकेशन ले रहे हैं। बहराइच के कई गांवों में रहने वाले लोग आदमखोर भेड़िये की दहशत के बीच जीने को मजबूर हैं। खौफ इतना ज्यादा है कि गांव के लोगों की नींद उड़ गई है और वो लोग रात भर जाग कर खेतों के बीच भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। प्रशासन की टीम भी लोगों को भेड़ियों से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वन विभाग और पुलिस के कई अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार चल रहे इस ऑपरेशन की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए पूरी रात न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा बने। देखिए आप पूरी तरीके से लोकल पुलिस और प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगातार जो है वो इस पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं, यानी
इसी 4-5 किलोमीटर के रेडियस में, इसी 4-5 किलोमीटर के रेडियस में इस वक्त जो है वो मौजूद है दोनों आदमखोर भेड़िए, और दोनों आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से रणनीति जो है वन विभाग के अधिकारियों ने बना लिया है। सुबह इधर ही देखे गए थे, नदी का कछार का इलाका है। कितने देखे गए थे सुबह इस इलाके में? ये दो। फिर वो किधर निकल गए? दो मतलब वो नाकेबंदी हो गई थी लेकिन वो गन्ने की आड़ में निकल। हम आपको एनिमेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भेड़िये इस वक्त कैसे शिकार कर रहे हैं। जो इनपुट मिले हैं उनको मुताबिक चार पैर वाले भेड़िये रात के अंधेरे में गांव में घुसकर हमला कर रहे हैं। इन भेड़ियों का टारगेट बुजुर्ग और बच्चे हैं। ज्यादातर केस में भेड़ियों ने इंसानों की गर्दन पर हमले किए हैं ताकि आवाज ना निकले। कुछ केस में भेड़ियों ने चेहरे पर भी हमले किए हैं जिनकी गर्दन पर ये सीधा हमला करते हैं। ये जानवर बहुत मनुष्यों से दूर रहना पसंद करता है, और ये समझ लीजिए कि शेर को छोड़कर यदि है तो उसको छोड़ देता है, बाकी बहुत चालाकी से अपना शिकार करता है। जब न्यूज 18 इंडिया की टीम बहराइच के ऐसे गांव में पहुंची जहां भेड़ियों ने लोगों को अपना शिकार बनाया है, तो वहां के हालात देखकर साफ एहसास हो गया कि आदमखोर भेड़ियों के हमलों से गांव में जबरदस्त दहशत है। गांव में बहुत दहशत है, इसीलिए हम लोग ऊंचा मचान बनाए हैं। खेतों पे आप लोग कैसे घूमते हैं, मतलब क्या करते हैं? डंडा लाठी लेके या भाली लेके जाते हैं, दो तीन लोग साथ में। ये आया था एक बच्चे को बचाने के चक्कर में, हमारे हाथ में भी लग गया, तो वो उसको पकड़े हम, तो पंजा मार गई। कहाँ पर पंजा लग गया? हाथ पे पंजा लग गया। कैसे दिख रहा? तो बस वो भेड़िया जैसे कुत्ता होता है, कान लंबे लंबे और मुंह लंबा लंबा ऐसे है, मतलब गले पकड़े, एक टांग पकड़ में आया, दूसरा टांग हमने मार दिया, बस छोड़ दिया, बस भाग गए। आदमखोर भेड़िये के बारे में एक बात तो यकीन से कहा जा सकता है कि वो इंसानों पर हमले करने का आदी हो चुका है, और यही वजह है कि वो इस लंबे लंबे 10 फीट 12 फीट गन्ने का खेत का फायदा उठाकर इस तरीके के रिहायशी इलाकों पर हमले करते हैं और मासूम बच्चों को अपना निवाला बनाते हैं। जानकारों की माने तो हो सकता है कि जंगल से जो भेड़िये का जो बड़ा ग्रुप हो वो इन ग्रुप को भगा दिया हो और उसके बाद इन्होंने रिहायशी इलाके के तरफ रुख किया है। ऐसे में काफी ज्यादा आक्रोशित हैं ये भेड़िये। तो बहराइच में वन विभाग की टीम ने भेड़ियों की तलाश और भी ज्यादा तेज कर दी है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए तैयारियां भी तेज की गई हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लाया गया है जिसमें एक बकरा भी बांधा गया है, और माना यह जा रहा है कि जब आदमखोर भेड़िए अपनी भूख मिटाने के लिए बकरे का शिकार करने जाएंगे तो वो इस पिंजरे में कैद हो जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में किस तरीके की तैयारियां की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें कि बहराइच में पूरी रात ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया है। भेड़िये को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है और वन विभाग की टीम लगातार इसमें मुस्तैद दिखाई दे रही है। वन विभाग की टीम और प्रशासन भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात लगी हुई है और भेड़ियों को पकड़ने की जल्द से जल्द कोशिश में जुटी है। ड्रोन कैमरों की मदद से भी भेड़ियों की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। पूरी की पूरी टीम दिन रात आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बहराइच से लेकर सीतापुर तक ऑपरेशन आदमखोर चल रहा है। आधी रात में ही वन विभाग की टीमें गांव वालों के साथ भेड़ियों को तलाश रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भेड़िये खेतों में खड़े गन्ने की फसल का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। गन्ने के खेतों में भेड़ियों को खोजना और उन्हें पकड़ना वन विभाग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बहराइच के कई गांव में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। एक गांव में अचानक एक भेड़िये के दिखाई देने की खबर आ गई और फिर वहां लोग लाठियां लेकर उसे भगाने को दौड़ पड़े। ये देखिए लोग चिल्ला रहे हैं, इसी इलाके में लगता है कि भेड़िया कहीं दिखाई दिया है। आप देखिए ये खदेड़ रहे हैं गाँव वाले, और ये गन्ने का खेत है, ये इसी इलाके से भागा है, ये लोग बता रहे हैं। इसी गन्ने खेत में है, यहाँ हाका लगा रहे हैं ये लोग कि कहीं इनकी आबादी में न घुस जाए, इसीलिए ये लोग गन्ने के खेतों में आ गए हैं। वन विभाग की टीम ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लेने का दावा किया है, जबकि वहां कई और भेड़िये होने की खबर भी है, और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से रोज रात को इसी तरह प्रशासन और गाँव वाले सर्च ऑपरेशन में जुट जाते हैं।
से लेकर सीतापुर तक आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। आज बहराइच के गन इलाके में जो दो भेड़िये ट्रेस किए गए थे सुबह, जिनको दो दिनों से तलाश किया जा रहा था, वो भेड़िये वन विभाग के पिंजड़े के करीब आ चुके थे, यानी जाल तक आ चुके थे, लेकिन इन फसलों को, बड़ी बड़ी फसलों को, यानी गन्ने के जो बड़े बड़े खेत हैं 10 से 12 फुट की जिनकी हाइट है, इसका फायदा उठाकर वो दोनों आदमखोर भेड़िये फिर खेतों के बाहर से निकलकर कछार में घाघरा नदी की तरफ चले गए हैं। बहराइच में आदमखोर की तलाश। पिछले 48 दिनों से बहराइच के 35 गांव में भेड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। 9 लोग भेड़िये के हमले में मारे जा चुके हैं। भेड़ियों को तलाशने के लिए 18 टीमें लगाई गई हैं। हम कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, सारी टीम्स लगी हुई हैं। दिन में भी ऑपरेशन चलाते हैं, रात में भी पूरी पेट्रोलिंग होती है, पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है और जहाँ से भी हमें सूचना मिलती है वहाँ पे हम अपने ड्रोन्स को भी दौड़ा देते हैं। इधर बहराइच के बाद सीतापुर में भी लोग भेड़ियों के जानलेवा हमलों से खौफ में हैं। अब सवाल उठता है कि भेड़िये क्या बहराइच से सीतापुर पहुंच रहे हैं? भेड़िया एक्सपर्ट्स का दावा है कि भेड़िया औसतन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, यानी बहराइच से सीतापुर के बीच 102 किलोमीटर की दूरी है। उस हिसाब से भेड़िये 1.5 घंटे यानी 90 मिनट में बहराइच से सीतापुर पहुंच सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 70 किलोमीटर दूरी तय करने में भेड़ियों को अधिकतम 2 घंटे लग सकते हैं। जानकारों का मानना है कि भेड़िये नदी के किनारे किनारे और गन्ने के खेतों की आड़ लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तो ये छलांग मार लेता है और ये समझिए कि करीब ऑन इन एवरेज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग लेता है और 20 मिनट तक ये इस चाल से भाग सकता है, पीछा कर सकता है। तो निसंदेह बहुत चालाक है, 20 मिनट बहुत होते हैं किसी को दौड़ाने के लिए। सीतापुर जिले के सदरपुर इलाके के धर्मपुर और गरथरी गांव में पिछले कई दिनों से भेड़ियों का आतंक है। भेड़िये ने लगभग आधा दर्जन लोगों को अपना शिकार बनाया है। भेड़िये के हमले में एक बूढ़ी महिला की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चों सहित 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। भेड़िये ने एक बकरे को भी अपना निवाला बनाया है। भेड़ियों के इस हमले को आप एनिमेशन के जरिए समझ सकते हैं। बहराइच के महसी से सीतापुर के सदरपुर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। अब सवाल उठता है कि क्या आदमखोर भेड़ियों का यही झुंड सीतापुर जिले के गांव पर हमले कर रहा है? जानकारों का कहना है कि लगभग 40 मिनट में भेड़िये 50 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। भेड़ियों की स्पीड और स्टैमिना जबरदस्त होता है, जिसकी वजह से ये लंबी दूरी तक दौड़ने में बेहद माहिर होते हैं। आदमखोर भेड़ियों ने सीतापुर जिले के भरतरी गांव में 80 साल के सैफुल्ला को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अगले दिन इस गांव में रहने वाले वसीम ने बताया कि उनका बेटा बकरा चराने खेत में गया था, तभी अचानक भेड़िये ने बकरे पर हमला बोल दिया, बकरे की भी मौत हो गई। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांव वालों ने इस तरह की कोई सूचना नहीं दी है। सब लोग जुटे थे, उसके बाद सब गुहार करके लाठी डंडा लग दौड़े तो जान बच गया, तो बचता रहे। बेसिकली जो उस एनिमल का जो रेंज है 15 से 20 किलोमीटर तक का उसकी टेरिटरी होती है, और एक जो उसका जो इंस्टिंक्ट होता है उसका, वो ये होता है होमिंग टेंडेंसी होती है। यदि वो जाता भी है तो कोशिश करता है वापस अपने होम आने की, तो ये होमिंग टेंडेंसी है जो कि जिस पे हम लोग होप लगा करके बैठे हैं। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि आखिरकार आखिरी आदमखोर भेड़िया कब तक पकड़ा जाएगा? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में भेड़िये इतने ज्यादा आदमखोर क्यों हो गए हैं?